आने के लिए तैयार हो गए। अब उनको अनुमान आ गया है कि राजस्थान की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है, गहलोत जी को घर जाना है और एक भाजपा की एक अच्छी ईमानदार कर्मठ सरकार जो प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी अब आने वाली। मैं समझता हूँ कि नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता, नाम बदलने से नेताओं की क्षमता नहीं बदलती है, नाम बदलने से कोई दिल नहीं मिलन हो जाता। और ये तो यूपीए ही है एक अलग नाम से, और यूपीए के तो कार्यकाल को देखते हैं भली भांति देख लिया है। अनिश्चितता रहती थी, तोड़ फोड़ रहती थी, ब्लैकमेल करते थे एक दूसरे को। आपको याद होगा वो फेमस बात जब भ्रष्टाचार के कांड एक के बाद एक खुल रहे थे और कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार करने में कुछ नहीं छोड़ा, जमीन नहीं छोड़ी, आसमान नहीं छोड़ा, जमीन के नीचे भी नहीं छोड़ा। कोयले का स्कैम, टेलीकॉम का स्कैम, देवास अंतरिक्ष का स्कैम स्पेस में। मेरा मानना है कि सिर्फ नाम बदल देने से उनके करतूत कभी नहीं बदलेंगे। और जो मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी कि मैं क्या करूं, मैं तो निहत्ता हूं, ये उनका शब्द नहीं था पर ये सार था। उन्होंने ये कहा था, दीज आर द कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, ये मजबूरियां हैं गठबंधन की राजनीति। भारत की आस्था, भारत की जो एक मूल सोच है उसके ऊपर ही इस गठबंधन में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आपने देखा किस प्रकार से एक पार्टी के युवराज और कहते हैं होने वाला मुख्यमंत्री आगे, जिस भद्दी तरीके से उन्होंने भारत और भारतीयता के ऊपर अटैक किया है, भारत के लोगों के जो आस्था है उसके ऊपर जो चोट पहुंचाई है, जो दिलों में जो चोट पहुंचाई है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भारतवासी किसी भी समुदाय का हो, किसी भी सोच का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उनको माफ नहीं कर सकता। ये इंडिया अलायंस का शायद एक छुपी हुई साजिश है कुछ, या उनके बीच में कुछ एक षड्यंत्र है जो सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।